और बेखौफ बदमाशों ने कहा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कहां हो रहा है ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल। और भारत पाकिस्तान बंटवारे के 74 साल बाद दो भाई मिले तो कैसा था मंजर। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी में मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक स्पोर्ट्स आइटम का शोरूम चलाने वाले इस व्यापारी का कई लोगों से विवाद चल रहा था। व्यापारी शोरूम बंद करके घर जा रहा था, उसी वक्त बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के कन्नौज में जीटी रोड के पास चल रहे अवैध निर्माण को रुकवाने गए एसडीएम के खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष ने जमकर हंगामा किया। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री अपने दर्जनों समर्थकों के साथ एसडीएम से भिड़ गए और घंटों तक बवाल भी काटा। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा जमाना चाहते हैं। उन्होंने अवैध निर्माण हटवाने पर एसडीएम को परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जुदा हुए दो भाइयों की कल करतारपुर गुरुद्वारे में मुलाकात हुई। अब वतन के साथ इनके धर्म भी बदल गए हैं। पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद सिद्दीकी और हिंदुस्तान के हबीब उर्फ चीला जब 74 साल बाद मिले तो उनकी आंखें छलक आई। दोनों भाई एक दूसरे से गले से लिपट गए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि लंबी जुदाई के बाद वो मिल सके। यूपी के बिजनौर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से सटे मधुपुरी के जंगलों में अवैध शराब बनाते एक शराब माफिया को रंगे हाथ पकड़ा है और मौके से करीब 1,000 लीटर अवैध शराब बरामद की है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 34 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी किसी नेता की है और ये रकम नोएडा से बिजनौर पहुंचाई जानी थी, लेकिन हापुड़ के थाना हाफिजपुर की पुलिस ने इसे बीच में ही धर दबोचा। पुलिस ने इस नकदी के चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया है। मकर संक्रांति के दिन यानी कल से गंगा सागर मेले की शुरुआत हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया है। इस विश्व विख्यात मेले में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु और साधु संत आते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है और वो काफी एहतियात बरत रहा है। यूपी के गाजीपुर जिले में भारी बारिश के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई। बेमौसम बारिश के दौरान इस नजारे को देखकर लोग दंग रह गए। ओले गिरने से सड़क पर एक मोटी परत जम गई। थोड़ी ही देर में रास्ता ऐसा सफेद हो गया जैसे यहां बर्फबारी हुई हो। सदर जंगीपुर और करंडा समेत कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरे जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुँचने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बारिश के चलते भूस्खलन की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीर में दिख रहा ये मकान एक सामुदायिक भवन है जिसके पिछले हिस्से की जमीन भूस्खलन की वजह से खिसक गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते लोग निकल आए। वहीं डलहौजी में भारी बर्फबारी के बाद रास्तों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। बर्फ में फंसी गाड़ियों को सुरक्षा बल ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए हैं। कैप्टन कोहली और चेतेश्वर पुजारा अभी क्रीज पर मौजूद हैं। भारत को इस समय 70 रनों की बढ़त हासिल है। भारत ने धारदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 210 रन पर रोक दिया था। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।